साथ दलित महादलित कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम नीतीश ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कहा कि किसी में इतना दम नहीं कि समाप्त कर दे आरक्षण। गया शहर के गांधी मैदान में जदयू पार्टी द्वारा आयोजित प्रमंडलीय दलित महादलित कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री एवं अन्य आगत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को खुले मंच से संबोधित करते जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनहित में चलाई जा रही विभिन्न सरकारों की योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही विस्तार पूर्वक सरकार की योजनाओं के बारे में उपस्थित जन समूहों को समझाया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य सड़क सहित अन्य क्षेत्रों में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के विस्तृत जानकारी दे। उन्होंने कहा कि बिहार के प्रत्येक पंचायत में गली नाली योजना के लिए प्रत्येक पंचायत को पैसे दिए गए हैं। आप लोगों का ध्यान भी इस ओर अतिकृष्ट करना चाहता हूं कि आप गरीब लोग इस पर ध्यान दे रखें। कहा कि ऐसा कोई काम हो रहा है, पाइप किसी क्वालिटी का लगा है, मेटेरियल किस क्वालिटी का है दे रहा है। उन्होंने कहा कि किसमें दम नहीं कि SC ST के आरक्षण को समाप्त कर दें, यह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी ने कहा था कि यह धरती सब कुछ दे सकती है लेकिन आपके लालच को पूरा नहीं कर सकती। बिहार में जो शराबबंदी हुई, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कई गरीब तबके लोग जो इसी पर निर्भर थे, तो वैसे लोगों को चिन्हित करने के उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनके लिए व्यवसाय रोजगार का मुहैया कराया जाएगा। 7 महीने तक 1,000 रुपए सरकार की ओर से दिया जाएगा ताकि बिजनेस में उनको घटा ना हो, क्योंकि तुरंत फायदा किसी भी बिजनेस में नहीं होता। इसलिए 7 महीने तक लोगों को सरकार की ओर से 1,000 रुपए प्रत्येक माह दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज लोग बिना काम किए राजनीति में आना चाहते हैं और जब राजनीति में ताकत आ जाती है तो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। खाद्य विभाग को यह जिम्मेवारी दी गई और पहुंचा रहे, और इसके बाद छात्रवृत्ति तो मिलती है लेकिन प्रतिदिन खर्च की रकम बढ़ रही है। इसको देखते हुए उस प्रकार के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए हम लोगों ने इंतजाम कर दिया कि 1,000 रुपया महीना उसको सरकार की तरफ से दिया जाएगा ताकि मन लगाकर पढ़े। तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, विकास का कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आखिर कितने काम किए गए। आप सोचिए, महादलित विकास मिशन का गठन किया गया, दशरथ मांझी जी यहीं के थे और दशरथ मांझी जी के बारे में मैं जानता था, उनकी मुझसे मुलाकात हुई और वो हमसे मिलने आया करते थे। एक रोज मैं जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिरकत कर रहा था, आए हुए थे, हमने कहा कि मांझी जी आप उधर चलिए और बीच में कुछ देर के लिए हम प्रेस के लोगों के साथ बातचीत करते थे, और जब हम वहां बात कर रहे थे मांझी जी भी वहां पहुंच गए, दशरथ मांझी जी। और जब हमने बात कर लिया उसके बाद हमने कहा, मांझी जी हमारी जो कुर्सी बैठने के लिए थी मुख्यमंत्री की, हमने कहा दशरथ मांझी जी अब आप इस पर बैठिए, और दशरथ मांझी जी को वहां बिठाया और प्रेस और मीडिया को कहा कि पूछिए भाई इन्होंने क्या काम किया। इस आदमी ने खुद मेहनत करके पहाड़ जो बीच में पड़ा हुआ था उस पर रास्ता बनाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। अपने मेहनत से हम इस व्यक्ति की बहुत सम्मान करते हैं। मुझे खुशी है कि उनका लड़का भी यहां बैठा हुआ है। लेकिन आप सोच लीजिए, वही जब महादलित का काम किया हम लोगों ने तो दशरथ मांझी के नाम पर लोगों में के लिए कौशल विकास का काम शुरू किया। और यही नहीं, हर महादलित टोले में बन जाए सामुदायिक भवन और वर्क शेड, अलग अलग तरीके का काम है तो कैसा सेट बन जाए, जैसे कैसे सेट बना हुआ है बैठे हुए, इसी तरह से हर टोले में बन जाए ताकि लोग उसका फायदा, इसकी मंजूरी कर दी और 3,500 से ज्यादा बन चुका। एक एक चीज हम लोगों ने किया और यह सब काम विकास के लिए सारा सब करते हुए सब लोगों को मकान बनाने के लिए